ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम बात करने वाले क्लास 8 मैथ्स की बात करेंगे, वाओ मैथ्स की बात करेंगे, एक्सरसाइज 1.7 पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आज हम बेटा पार्ट 2 की बात करेंगे एक्सरसाइज 1.7 की। तो जो भी बच्चे नए हैं जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं क्या गिवन है। तो कह रहा है कि 4/7 लीटर ऑफ मिल्क इज रिक्वायर्ड टू मेकिंग एडिशन, या मेडिसिन बनानी है 4/7 लीटर में। ये 6 क्वेश्चन चलेगा, सॉरी। तो कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 है। और जो भी बच्चे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे एक बार। कह रहा था कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ राइस इज रुपए 250, यानी 5 किलोग्राम राइस की कॉस्ट कितनी है 250 रुपए है। हाउ मच विल 8 होल 1/4 किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्ट, मीन्स 8 4 32 and 133 हो जाएगा, 33/4 किलोग्राम राइस की कॉस्ट कितनी होगी। चलिए तो हम ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6। और जो भी बच्चे एक बार नए हैं जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम राइस, 5 किलोग्राम राइस इज इक्वल्स टू 250 रुपए, रुपए 250। अब हमें कितने की चाहिए भाई, हमें चाहिए 8 होल 1/4। तो लिखें कॉस्ट ऑफ 8 होल 1/4 किलोग्राम। अच्छा, यहाँ से 1 किलोग्राम पहले निकाल लीजिए, उसके बाद ही करेंगे हम लोग। तो 1 किलोग्राम क्या आ जाएगी 250/5, डिवाइड कर दीजिएगा, कहेंगे सर कितना आ जाएगा 50 रुपये आ गया। 1 किलोग्राम राइस की कॉस्ट कितनी आई सर 50 रुपये आ गई 1 किलोग्राम की। बट आपको चाहिए कितनी 8 होल 1/4। तो कॉस्ट ऑफ 8 होल 1/4 किलोग्राम राइस इज इक्वल्स टू, अब देखिए 8 4 32 और 1 कितना हो गया 33/4 × 50, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 और 25 टाइम हो जाएगा 33 × 25। मल्टीप्लाई एक बार करके बताएंगे जरा सर कितना आएगा, जरा मल्टीप्लाई करिए एक बार, जरा बताइए मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए जरा कितना आएगा। देखिए तो कितना आ जाएगा आपका 8 2 5/2। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि आपको कॉस्ट में पूछी गई है, तो आंसर एक बार चेक कर लेंगे डेसिमल में ही, वैसे तो आंसर आएगा, एक बार डिवाइड करके एक बार बता देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए तो डिवाइड करने पे कितना आ गया आपका 2/ में रहेगा। अब मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हो तो मिक्स में लिख देंगे भाई, तो कितना जाएगा 4 1 2 और प्लस ऊपर कितना आ जाएगा 1, और ये किस में आंसर आएगा आपका रुपए में आएगा। ठीक है भैया, 4 1 2 होल 1/2 क्या हो गया आपका आंसर। आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। और जो भी बच्चे हमारे नए थे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 7 पर, और देखिए 7 हमको क्या कह रहा है, इसको आइए रफ कर लेते हैं जब तक हम। कैसी लग रही है वीडियो कमेंट्स करके बताते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही आज हम इतने 10K सब्सक्राइबर लगभग होने वाले हैं, और 2 4 10 दिनों में हो जाएंगे शायद, ऐसा आप लोग चाहें तो 2 दिन में हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है एक बार उसको रीड कर लेंगे हम। तो 7 कह रहा है कि 5/7 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स बाई 65 गिव्स 80, यानी क्या 5/7 किसी नंबर में 65 एक्सीड हो रहा है और आपको कितना आ गया उसका गिव्स कितना 80, फाइंड द नंबर। तो लेट कर लेंगे नंबर हम लोग बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसको जो है इंपॉर्टेंट भी लिख लेंगे सभी लोग। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7। तो लेट लिख लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, हमने एक्स नंबर लेट कर लिया। अब देखिए क्या कह रहा, 5/7 किसी नंबर का है ना, 5/7 किसी नंबर का, और प्लस में कितना आएगा 65, ये मल्टीप्लाई लगाएंगे यहाँ पर है ना, 5/7 नंबर का और 85 गिव्स है, 80 है, तो माइनस कर दीजिएगा 5/7, 80 - 65 हो जाएगा। अब जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, चलिए तो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा सर 15 आएगा सर। अब डिवाइड कर दीजिएगा, 5 3 जा कितना होता है 15 हो गया, तो वो एक्स इक्वल्स टू 7 × 3, तो आंसर कितना आ गया 21, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 21। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हुआ, लगभग लैंग्वेज लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 21। आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, आइए 8 देख लेते हैं क्या गिवन है जल्दी से।
तो एक बार ना जरूर यार सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, अपने दोस्तों को वीडियो जो है ना ये शेयर करते रहिएगा, जैसे कि उनको जो है किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो मैथ्स रिलेटिंग। और अगर कोई डाउट होता है तो संडे लाइव क्लास में आइए, शाम को 5 बजे हम आपस में बात करते हैं मिलके, मन की बात पूछो तो जाने। चलिए इसको रफ कर लेते हैं अब हम, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग थोड़ा इस वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई करने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रैवलिंग का क्वेश्चन है। अब ट्रैवलिंग का नाम सुनते ही आप लोगों के मन में यार कहीं ना कहीं चलें, कहीं टूर पे चलें, घूमने चलें, ट्रैवलिंग की जाए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आइए पढ़ते हैं, हम लोग रीड कर लेते हैं एक बार, आप लोग भी रीड किया कीजिए क्वेश्चन को। कह रहा है आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 32.45 किलोमीटर अमीरा फाउंड दैट सी इज स्टिल द कवर 5/7 ऑफ द होल डिस्टेंस, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अमीरा। तो टोटल डिस्टेंस अमीरा ने कितनी कवर्ड करी वो आपको क्या है यहाँ पर बताना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग किस हिसाब से लिखेंगे, लेट द टोटल डिस्टेंस, लेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अमीरा लिख दीजिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय अमीरा, कवर्ड बाय अमीरा, ठीक है ना, है ना। एक्स किलोमीटर उसने मान लीजिए लेट की है, तो अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले कितनी ट्रैवलिंग की है, 32.45 है, 32.45 है ना, और प्लस में हमने कितना लेट किया है और कितना वो 5/7 होल डिस्टेंस, हमने टोटल डिस्टेंस एक्स लेट करी थी, ठीक है बच्चों, ये यहाँ मेन पॉइंट है। देखिए टोटल हमने कितनी लेट की यहाँ पर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक बार एक काम कर लेते हैं, एक्स एक्स पास करने कर लीजिए, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 164/5 में कितना 5 इक्वल्स टू में लगाइए जरा हम देखें, 32 की 5 में मल्टीप्लाई कर दिया और 4 ऐड कर दिया, एक्स माइनस 5/7 हो जाएगा, ठीक है एक्स ये ध्यान रखना है आपको। अब क्या करेंगे, 2x हो जाएगा, यहाँ अपॉन में 7 है, 164/5 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने की कोशिश करिएगा। देखिए 2 से कैसे डिवाइड करेंगे करेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए हम डिवाइड में जाएगा उधर, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 2 8 जा कितना होता है 16 होता है, पहले लिख दीजिएगा, तो x इक्वल्स टू 7 तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा भाई, 164 × 7 हो जाएगा, अपॉन में 5 × 2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड 2 8 16, 2 2 4 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू 82 × 7/5 हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, देखिए कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी मैथ्स में, कि कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक ना हो। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बताइए, मल्टीप्लाई करके आपका कितना आएगा जरा देखेंगे वो एक एक बार बता दीजिएगा, तो 7 × 2 = 14 और 7 8 = 56 और 1 कितना जाएगा 57 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है कितना जाएगा 57 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो गया 5। अब इसको क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, एक बार आंसर भी आप लोग देखेंगे कि किसमें गिवन है, तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है, तो कोई बात नहीं मिक्स में दे देंगे, तो डिवाइड कर लीजिएगा एक बार आप लोग भी, 5 को करना है 5 7 4 से, तो 5 1 = 5 हो जाएगा, 7 ले लिया, 5 2 = 14, अच्छा 5 1 = 5 ही जाएगा है ना, 7 है वहाँ पर, 5 1 = 5 2 1 और कितना जाएगा 5 4 = 20। तो आंसर कितना आ गया आपका सर, आंसर आ गया हमारा 114.8। अब ये आंसर आपको किस में गिवन है वो देख लेना भैया, मिक्स फ्रैक्शन में हो तो मिक्स में ही कर लेंगे जरा, ठीक है ना, 5 7 4/5। अब वो आप लोगों के पे डिपेंड करता, देखिए 5 7 4/5 तो हमने डिवाइड किया यहाँ पर, तो आप लोग क्या करेंगे इसको ना मिक्स फ्रैक्शन में भी आप लोग लिख सकते हैं, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कहीं सोचें आप लोग की प्रॉब्लम है हमें। आपका आ गया हैंस द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई अमीरा 114/5 किलोमीटर, या डेसिमल में आंसर आओ, देखिए आंसर सीट आप लोग चेक करेंगे, 114.8 किलोमीटर हो गया आपका आंसर आ गया। चलिए तो आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए, अब हम 9 पर आए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गर्मी आप लोगों के लिए कितनी मेहनत से वीडियो बनती है यार, हैं पंखा बंद करना, फैन बंद करना पड़ता है, कितनी मेहनत करते हैं आप लोग, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को। देखिए इससे कोई बेनिफिट या फ़ायदा कुछ नहीं भाई, ये है थोड़ा आप लोगों का भी वर्क हो जाएगा अच्छा सा ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ाई में किसी भी तरह से। जब से लॉकडाउन लगा आपका हमारा साथ रेगुलर बना हुआ है, देखिए बहुत अच्छा लगता है ना, कंपोजिट मैथमेटिक्स आपका फुली अपलोड कर दिया गया, क्लास 8th का, क्लास 7th का,
क्लास सिक्स का वाओ मैथ्स का काम चल रहा है, आप देखिएगा। नाइन्थ पर भी काम चल रहा है, नाइन्थ की वीडियोस पर भी काम चल रहा है। आप लोग अगले साल नेक्स्ट ईयर नाइन्थ में आएंगे, देखिए तो आप लोग एनसीईआरटी देखेंगे वहां से। तो क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है फोर फ्रेंड्स हर्षित कुणाल मंजू एंड राहुल वेंट टू ट्रिप, हर्षित पेड 2/7 ऑफ द बिल एंड रेस्ट ऑफ द बिल वाज शेयर्ड बाय कुणाल, बाकी का कुणाल ने कर दिया, मंजू एंड राहुल इक्वली, मंजू राहुल ने क्या करा इक्वली कर दिया, और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बिल पेड बाय ईच, तो इन्होंने सबने जो है कितना कितना बिल पे करा आपको ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग बिल ना लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे हम बिल को। चलिए तो क्या लिखेंगे हम, लेट द बिल पेड बाय ईच, है ना, मतलब ये हमने ऐड करा कि ईच ने एक्स पेड किया, ठीक है, कितना पेड किया, एक्स रुपए पेड किया है उन्होंने। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, 2/3 कितना है भाई यहाँ पर, अच्छा 2/7 ऑफ द बिल, तो 2/7 किसका, बिल का, तो बिल कितना था एक्स, तो 2/7 किसका बेटा, एक्स का, ठीक है। अब देखिए एक्स प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ, और इक्वल में कितना आ जाएगा आपका, वन, ठीक, मान लीजिए वन रुपये था एक तरह से बिल, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका यहाँ से। अब आगे देखो क्या कह रहा है वो, इक्वली अमंग है यहाँ पर, है ना, इक्वली बिल पेड बाय कुणाल मंजू एंड राहुल इक्वली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बिल, तो 2/7 जो है ना वो बिल का कर लेंगे आप यहाँ पर, क्योंकि बिल का किया उसने, तो 2/7 हो जाएगा आपका यहाँ पर। एक काम कर लीजिएगा, इसको आप माइनस में ले जाइए, तो एक्स और एक्स, एक्स कितना हो जाएगा आपका, 3x हो गया, देखो सिंपल सी बात है, देखो कितना हो गया, 3x हो गया, और 1 माइनस कितना कर दिए, 2/7 कर दिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भाई, 7 × 1 = 7 माइनस 2/7 हो गया, और 3x = 5/7 हो जाएगा, और x = 5/ कितना हो गया, 21 हो गया। चलिए यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर भी एक बार आप लोग चेक कर लेंगे, यस बिल्कुल राइट आंसर है। तो हेंस द ईच पेड ऑफ द बिल इक्वल टू 5/21, है ना, ईच पेड कितना, 5/21 ऑफ द बिल। तो क्वेश्चन विल कंप्लीट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आ गए हम अपने बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पर, इसका मतलब हुआ क्या कि भैया जितने ये दोस्त हैं ना चारों, इन्होंने 5/21 रुपए उसको दिए हैं शॉप वाले को, है ना, पेड किया उसने। चलिए तो हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर, और 10 आइए देखते हैं क्या है। एक बार रिक्वेस्टेड फॉर यू, एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे सभी इस चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन की बेल भी आप लोग प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो देखिए हमने जो है इंग्लिश की क्लासेज आपको लिए बहुत सिंपल, जिससे आप इंग्लिश बोल सकते हैं, स्पीकिंग की क्लास शुरू की है, तो इंग्लिश की क्लास जो लोग देखते हैं और स्पीकिंग जो पकड़ना चाहते हैं तो आराम से देखते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से सेंटेंसेज में हमने डेली यूजेज जो आपके होने वाले हैं उनकी बात की है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। ऑन ए फार्म 2/7 काउज वर ब्लैक, तो हम टोटल काउज लेट करेंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ काउज हमने लेट करी कितनी बेटा, एक्स लेट कर ली, कितनी कर ली, एक्स लेट की है। अब उनमें से 2/7 ऑफ द काउ वर ब्लैक व्हाइल 40 वर वाइट, अब 40 कैसी है, वाइट है, अब वाइट कितनी हो जाएंगी, देखिए टोटल नंबर ऑफ काउज हमने कितनी लेट करी, एक्स कर ली, बात समझ रहे हैं ना आप, कह दो यस सर समझ गए बात। तो अब टोटल नंबर ऑफ काउज कितनी हो जाएंगी आपकी, कौन से नंबर की, टोटल ब्लैक काउ, और ब्लैक कितनी कह रहा है, ब्लैक कितनी कह रहा है यहां पर देखिए 2/7 कहा, तो 2x/7 मींस 2/7x हो जाएंगी, कैसी, ब्लैक वाली आपकी, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आइए, सबसे पहले हमने टोटल काउ कितनी लेट करी, एक्स लेट की है, यहां पर पॉइंट ध्यान देना, 40 वर वाइट, अब वाइट कितनी है, तो आप कहेंगे सर वाइट तो यहां पर 40 गिवन है, कितनी है 40 गिवन है, अब 40 गिवन है तो फटाफट जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे सर 2/7x और प्लस में कितना 40 और इक्वल्स टू में कितना सर x, क्योंकि टोटल हमारे पास कितनी थी x थी। अब x को सेकंड साइड ले जाइए तो x − 2x/7 = 40 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 7x माइनस का 2x/7 = 40, अब 7 में से 2 जाएगा तो सर 5x होते हैं, कितने होते हैं सर 5x होते हैं। आप लोग आगे करिए खुद अपने आप, ट्राई करिए सब अपने आप, और वीडियो को पॉज करके किया कीजिए थोड़ा सा,
तो 5x अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 40 हो जाएगा आपका यहाँ से। अब 5 8 जाए तो सर हमको मालूम है कितना होता है सर, 40 होता है। तो 40 इंटू 7 अपॉन कितना कर दीजिए 5, और 5 8 जाए कितना होता है 40। देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ आपके लिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। x इक्वल टू 8 7 डा कितना होता है 56 होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। Hence the total number of cows लिख देंगे, और total number of cows कितनी हो गई सर 56 हो गई। तो यहीं पर ये part 2 आपका exercise 1.7 का खत्म होता है, साथ साथ में आपका chapter भी complete होता है। Next chapter 2 की हम बात करेंगे wow maths की, जब तक के लिए हम लोग बाय बाय कहेंगे। और second जो chapter होगा आप लोगों का वो कौन सा होगा, exponents का होगा। तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जल्दी से एक बार तिवारी क्लासेस का यूट्यूब चैनल दोबारा सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कमेंट्स भी करते रहिएगा आप लोग की, आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं। संडे लाइव क्लास में कोई भी डाउट आपके हो तो मन की बात और पूछो तो जाने। देखिए हमने नाम बहुत सोच समझ के रखा, सजेस्ट किया बच्चों ने कि सर मन की बात, अपने मन की बात, यही नहीं कि सर पढ़ाई की बात, हम पूरे वीक स्कूल में भी करते रहते हैं है ना, तो सर यहाँ पर मन की बात करें, थोड़ा स्कूल से रिलेटेड कोई हंसी मजाक की जाए है ना। तो इस तरीके की बातों की अगर करनी है, आप मन की बात कुछ भी बताना चाहें, तो आप संडे लाइव क्लास में शाम को 5 बजे हमारे साथ लाइव आ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए चैप्टर नंबर 2 के लिए एक्सपोनेंट्स के हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, 9th क्लास में भी आपका लगेगा, और फिर ये तो सब में यूज होता है एक्सपोनेंट्स, बीच बीच में चाहे 12th में चाहे 11th में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल।